नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। कंगना रनौत द्वारा पीओके वाले बयान से शुरू हुआ विवाद अब शिवसेना बनाम बीजेपी और राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार बन गया है। दरअसल कंगना पर हो रहे चौतरफा जुबानी हमले के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के मंत्रियों और शिवसेना के नेताओं ने आपत्ति जताई। दरअसल खुद उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग राज्य में करियर बनाते हैं लेकिन उसके शुक्रगुजार नहीं होते हैं। एक तरफ उद्धव सरकार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख केंद्र के फैसले से खुश नहीं है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्रालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी का कोई वाक्य गलत भी हो, किसी का विचार भी गलत हो, तो उसका हम निषेध कर सकते हैं, वो गलत है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान और माल की रक्षा करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बनाना रिपब्लिक बनेंगे, कानून का राज नहीं चलेगा। और कानून का राज और विशेष रूप से जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उनको किसी का मत पसंद आए या ना आए, कोई गलत मत भी निकाले तो कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये उनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जो किया वो ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कंगना का पंगा तो महाराष्ट्र सरकार से था, लेकिन केंद्र के एक फैसले से ये जंग मोदी सरकार वर्सेस उद्धव सरकार हो गई। महाराष्ट्र सरकार को खुली चुनौती देने वाली कंगना रनौत को वाई प्लस लेवल की सुरक्षा के तहत उन्हें 11 सुरक्षा कर्मी मिलेंगे जिसमें से एक या दो कमांडो होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार का ये फैसला नागवार गुजरा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है। तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार कह रही है कि वो हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। सुनिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पूरा बयान। दिनों से समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में ये विषय चल रहा था और उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस बात को भी देखा कि कंगना रनौत जो है हिमाचल की बेटी है और फिल्म जगत में उनने बहुत बड़ा नाम कमाया है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और उनने नाम रोशन किया। उनके पिताजी की ओर से एक पत्र आया, उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि बेटी की सुरक्षा से संबंधित हम चिंतित हैं और जिस प्रकार की धमकियाँ उनको दी गई है ऐसी परिस्थिति में उनको सुरक्षा चाहिए। तो मैंने अपने डीजीपी को बुला करके उनसे इस बात के लिए कहा कि आप इस थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट करिए और उसके पश्चात जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी है तो उसमें जल्दी करिए, क्योंकि हम एक बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि हिमाचल की बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हिमाचल का नाम उन्होंने रोशन किया है देश दुनिया में। ऐसी परिस्थिति में उनकी सुरक्षा से संबंधित कोई भी कोताही नहीं, उस दृष्टि से हमने निर्णय किया। और हिमाचल प्रदेश की ओर से हमने गवर्नमेंट की ओर से पुलिस की एक टीम जो है उनके सुरक्षा के लिए जो है उनके निवास मनाली में, और मनाली के साथ साथ में यहाँ तक भी हमने कहा कि उनको अगर अपने टूर के दौरान भी सुरक्षा की आवश्यकता लगती है तो वो टीम उसमें से कुछ लोग उनके साथ जाने के लिए भी उसमें भाग लेंगे। साथ में यही मामला जब केंद्र में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के समक्ष पहुँचा उनका, उन्होंने भी इस थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं केंद्र का आभार भी व्यक्त करता हूँ विशेष तौर से हमारे गृह मंत्री जी का, तुरंत जो है उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए 11 लोगों की टीम जो है सीआरपीएफ की वो तुरंत जो है वहाँ से भेज दी